कल जो आपको न्यूज दी थी, आज वो क्रिक इन्फो ने कंफर्म कर दी है कि जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल है उसके मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 10 अक्टूबर को हैदराबाद में और पाकिस्तान इंडिया का मैच 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में ही होगा। क्रिक इन्फो ने ये क्लेम किया है कि क्रिक इन्फो की ये अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में ही हो। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 3 अगस्त को, यानी कि कल, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो एक हाई लेवल की कमेटी बनाई थी जिसमें बिलावल भुट्टो, जरदारी, आपके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, पाकिस्तान के कुछ बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उन्होंने 3 अगस्त को अनाउंस करना था कि क्या पाकिस्तान की टीम इंडिया ट्रेवल करेगी कि नहीं, जो कि बेसिकली सिर्फ चूरन बेचने वाली बात है। ऐसा कोई चांस नहीं है। मैं भी बता बता के बोर हो गया हूं कि पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है। लेकिन कल अगर आपको ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अगर बन के मिलती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में तो जा रही है, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी के लिए एक लेटर चाहिए होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी गवर्नमेंट से, वो लेटर तो मिल जाएगा। लेकिन अगर कल ये अनाउंसमेंट आती है कि पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में नहीं खेलेगी, यही वो वजह है कि फिलहाल जो कल मैंने आपको अपडेट दी थी कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल में चेंज हो रहा है, और आज पीसीबी ने कंफर्म भी किया कि हमें 14 का मैच खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। और क्रिक इन्फो का ये कहना कि उनको ये लगता है, अब क्रिक इन्फो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने कुछ समझ के ये बात लिखी है कि उनको लगता है कि ये मैच अहमदाबाद में होगा। उसके साथ साथ क्रिक इन्फो ने ये भी मेंशन किया है कि बीसीसीआई और आईसीसी ने ये जो शेड्यूल अनाउंस करना है वो मजीद 1 हफ्ते का टाइम लेना चाह रहे हैं, यानी वो वेट करना चाह रहे हैं कि 3 अगस्त को पाकिस्तान क्या अनाउंसमेंट करता है, यानी कि कल। अभी बीसीसीआई और आईसीसी के माइंड में ये बात है कि पाकिस्तान की तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कि अहमदाबाद में नहीं खेलना, क्योंकि 2016 में भी तो पाकिस्तान ने यही किया था ना कि पठानकोट के जो दंगे फसाद वगैरह वगैरह चल रहे थे उसके ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई थी, पाकिस्तान ने अपना धर्मशाला वाला मैच निकाल के आईसीसी का रूल इस्तेमाल किया और कोलकाता में कहा कि हमें कोलकाता में खिलाएं, और आईसीसी ने अकोमोडेट करना था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होगी, 1 2 3 दिन में आपको पता लगेगा। बीसीसीआई 14 मैच पाकिस्तान इंडिया का 14 तारीख को ही है, 14 अक्टूबर को, ठीक हो गया। अब आईसीसी और बीसीसीआई ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम शेड्यूल अनाउंस करेंगे। वो बेसिकली आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, जो जिन्होंने कल यानी 3 अगस्त को ये अनाउंसमेंट करनी है कि यार पाकिस्तान टीम अहमदाबाद में मैच खेलेगी कि नहीं। ऊपर ऊपर से तो दे आर गोइंग टू अनाउंस के पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो मैं बड़े दिनों से आपको फीड कर रहा हूं कि अहमदाबाद का जिक्र इन्होंने करना ही करना है। आपको पता है नरेंद्र मोदी, गुजरात, पाकिस्तान, एक हिस्ट्री है गुजरात के साथ पाकिस्तान की। सो आपने सरप्राइज नहीं होना अगर कल 3 अगस्त को ये अनाउंसमेंट होती है कि पाकिस्तान अहमदाबाद में नहीं खेलेगी लेकिन वर्ल्ड कप में खेलेगी। ये हो गई एक बात। दूसरा, एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है जय शाह ने, बीसीसीआई ने ये अनाउंस किया है बीसीसीआई ने कि ये जो 15 की बजाय हमने 14 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का मैच किया है, या जो ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल सारा चेंज हो रहा है, इसका नवरात्रि के इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, पहले जो न्यूज आई थी वो ये आई थी कि इंडियन एजेंसीज की तरफ से कांटेक्ट किया गया बीसीसीआई को कि आप अपना शेड्यूल थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी सी सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी का मसला ये नहीं है कि इंडिया सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता। पहले भी आपको बताया था, जब ये बड़े इवेंट चल रहे होते हैं नवराती वगैरह, जहां पे सिक्योरिटी के हमारे भाई बहन अपनी अपनी पुलिस वाले, आर्मी वाले, जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस लेके खड़े हुए हैं हजारों की तादाद में, और उन्हीं दिनों में वर्ल्ड कप जैसा इवेंट चल रहा है, वो भी 15 तारीख को, अगर नवरात्रि शुरू हो रही है और उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, तो आप कितने बंदे बाहर खड़े करेंगे और कितने अंदर खड़े करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीजों को मैनेज करना। लेकिन अब जय शाह की तरफ से ये यू टर्न लेना कि बेसिकली हम नवरात्रि की वजह से ये इवेंट चेंज नहीं कर रहे, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहे, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से डिफरेंट सजेशंस आई थी जिसकी वजह से हम शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हैं, विच आई रियली डाउट। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई हकीकत है, क्योंकि आज भी जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि जैसे जका अशरफ ने जेशा से बात की मिलने की, उसके बाद जेशा ने
ज़का अशरफ के अकॉर्डिंग प्रेशर में आके वो शाम को मुकर के कि जी हमने तो ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। सो आई एम नॉट श्योर कि जेशा इस पॉइंट पे भी ठीक है कि नहीं। मैं अगेन उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, क्योंकि लॉजिक मेरे पास इसकी ये है कि जो आईसीसी का शेड्यूल अनाउंस होता है वर्ल्ड कप का, कि जेशा ने अकेले अनाउंस नहीं किया होगा, ये तमाम क्रिकेट बोर्ड इकट्ठे एक टेबल पे बैठे होंगे और ये हर जगह से अप्रूव होके 100 दफा पढ़ के देख के परख के ये फिर निकलता है। तो एक दफा जब शेड्यूल अनाउंस हो गया उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी क्रिकेट बोर्ड को कोई मसला होगा, क्योंकि ये जो मसले मसाइल है ना ये पाकिस्तान इंडिया के ही हैं। मुझे जो लगता है सिक्योरिटी ही वजह होगी, एजेंसीज ने ही कॉन्टेक्ट किया होगा बीसीसीआई से, फिर जाके ये शेड्यूल चेंज हुआ है, वरना किसी क्रिकेट बोर्ड को नहीं पड़ी कि वो अनाउंस होने के बाद शेड्यूल अपना चेंज करवाने के पीछे जाए। ये पाकिस्तान इंडिया के मसले हैं। खैर, कल 3 अगस्त है, अगर आपको कल ये न्यूज मिलती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो जा रहा है लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि वो अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, तो आपने सरप्राइज नहीं होना। वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।